तो चलो बच्चों, इस एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इसमें जनरली बच्चों को डाउट आता है, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं तो उनको ये क्वेश्चन डाउट में आंसर आ जाता है, ठीक है। तो चलो, ये हाइड्रोजन लाइक आयंस है प्रिपेयर्ड इन ए पर्टिकुलर गैसियस स्टेट। चलो, ये एक गैसियस स्टेट है, ये इसमें कुछ हाइड्रोजन लाइक गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हाइड्रोजन लाइक क्या होगा, या तो हीलियम होगा, या तो लिथियम होगा, ठीक है, या तो लिथियम होगा प्लस प्लस, या वो जो भी है सिंगल इलेक्ट्रॉन गैसियस सिस्टम। ये बात सबको समझ में आ रहा होगा। अब कहता है, इट इमिट फोटोन ऑफ वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। अब देखो, जब इसको आप हीट किए गैसियस स्टेट को, वैसे भी एक्साइटेड स्टेट है, तो ये कहता है कि यहाँ से अब फोटॉन बाहर आएंगे। प्यारे बच्चों समझना, यहाँ से फोटॉन्स बाहर आएंगे, और वो जो फोटॉन बाहर आ रहे हैं, इनकी जो वेवलेंथ है, ये इस गैस से, ये जो अननोन है, ये क्या है, एक अननोन है यार, अननोन गैस है। तो इस अननोन गैस से जो फोटॉन बाहर आ रहा है, उसकी वेवलेंथ लाइमन सीरीज के जो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के, उसकी वेवलेंथ के इक्वल है। मतलब फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज का अगर लैम्डा मान लो, तो ये लैम्डा 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। अब ये लाइमन बामर ये कहाँ होता है यार, ये तो हाइड्रोजन में होता है, ये तो हाइड्रोजन में होता है, ठीक है। हर एक गैस की स्पेक्ट्रम अलग अलग होती है यार, ठीक है, बड़ी खास बात है, बहुत यूनिक बात है। तो हाइड्रोजन की जो लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ है, और ये जो फोटोन एक जनरेट किया, उसकी वेवलेंथ, ये दोनों इक्वल है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलो, अब कहता है कि इसके अलावा 5 और फोटोन बाहर आते हैं। यार ये तो आया ही, साथ साथ इसके अलावा 5 और फोटोन बाहर आ गए, ठीक है। इस तरह से 5 फोटोन्स और बाहर आ चुके हैं। तो ये जो कहानी दिया हुआ है, इस 5 फोटोन और प्लस 1 फोटोन है, तो टोटल फोटॉन्स कितने हो गए, तो टोटल जो फोटॉन्स हो गए वो 6 फोटॉन्स आ गए, ठीक है ना। तो इस गैस से 6 फोटॉन बाहर आ रहा है। चलो, आइडेंटिफाई द गैस, ये जो अननोन गैस था इसको हमें पता करना है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट ए। स्टेट ए क्या था, एक एक्साइटेड स्टेट था, ठीक है ना, ये स्टेट था एक्साइटेड स्टेट, जो डी एक्साइट हुआ है। तो कुल मिला के 6 फोटॉन निकला है, ठीक है, जिसमें से 5 अलग है कहानी, और एक की वेवलेंथ जो है वो लाइमन के इक्वल है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट है कौन, अननोन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, कि जब गैस डी एक्साइट होगा ग्राउंड, ठीक है, यहाँ से हायर ऑर्बिट से जब जंप होगा ग्राउंड पे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कैसे आया होगा। तो कुल मिला के 6 फोटॉन्स बाहर आ गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ पर एक्साइटेड स्टेट है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर कोई एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से ग्राउंड स्टेट में आता है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, समझना, इंटरमीडिएट स्टेट नहीं, तब फार्मूला ये नहीं लगेगा यार। ग्राउंड स्टेट में आता है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का जो फार्मूला है, या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, या नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो भी नाम दे दो, या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो भी नाम दे दो, या नंबर ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि जितने फोटॉन्स होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी वेवलेंथ होगी, उतना ट्रांजिशन होगा। तो इन सब की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, वो n-1 और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय n के इक्वल होता है, ठीक है। बी केयरफुल, ये तभी लगेगा जब ग्राउंड स्टेट में आएगा, कहीं और रहेगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, उसके लिए दूसरा फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपके टीचर वो आपको बेहतर तरीके से पढ़ा दिए होंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ फोटॉन 6 है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो मुझे वो एक्साइटेड स्टेट जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन था, मजे में था, उस
एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू पता चल जाएगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, इसको तो एल के जी यू के जी के बच्चे भी सॉल्व कर लेते हैं, छोटे बच्चे। तो ये एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है, तो ए एन स्क्वायर माइनस एन माइनस ट्वेल्व इजक्ल टू जीरो, तो ए एन स्क्वायर और माइनस फोर एन प्लस थ्री एन और माइनस ट्वेल्व इजक्ल टू जीरो। तो यहाँ से n कॉमन ले लें तो n माइनस फोर बचा, और प्लस थ्री कॉमन ले लें तो n माइनस फोर बचा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से n प्लस थ्री एंड n माइनस फोर दैट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू थ्री और फोर आ जाती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला रिजेक्ट कर देंगे और ये वाला एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट जो होता है, जो एक्साइटेड स्टेट ए था जब एक्साइट हुआ था गैसियस में, तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल टू फोर था, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो अब हमें पता करना कि गैस कौन सा है जिसमें एक्साइट होके आया है। तो चलो प्यारे बच्चों, अगर गैस को हमें पता करना है तो गैस के लिए एक पहला कंडीशन दिया हुआ था, सेकेंड पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये लाइमन सीरीज वरीज कहाँ बनता है यार, हाइड्रोजन में बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन में बनता है ना, हर एक का स्पेक्ट्रम अलग अलग है यार, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जब जंपिंग होती है तब ये हमें बनता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज अगर मैं निकालूँ हाइड्रोजन में, तो वन अपॉन लैमडा इज इक्वल टू, लैमडा वन इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। लाइमन सीरीज के लिए एन वन इजक्वल टू वन में जंपिंग होगी, और कहाँ से जंपिंग होगी, फर्स्ट लाइन के लिए टू थ्री फोर फाइव ए डॉट 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 इन्फिनिटी से। लेकिन फर्स्ट लाइन की अगर मैं बात करूँगा, फर्स्ट लाइन के बहुत सारे बच्चे बेचारे कमज़ोर होते हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ प्यारे बच्चों। तो ये फर्स्ट लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो वन अपन लैमडा वन की वैल्यू आ जाएगी, रिगवर कॉन्स्टेंट जेड हाइड्रोजन के लिए वन का स्क्वायर कर दूंगी, ये वन माइनस वन बाई फोर फर्स्ट लाइन क्या जाएगा, दैट इज थ्री आर बाई फोर, दैट इज वन अपॉन लैमडा वन ऑफ द लाइमन सीरीज। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर टू की, मतलब इसी में अब जो अननोन गैस है, अननोन जो गैस आया है, अननोन गैस, उस गैस की वेवलेंथ, मतलब उस गैस, ये जो है उस गैस की एक ट्रांजिशन कोई हुआ होगा, हम लोगों को नहीं पता है। तो उसमें मान लो एक ट्रांजिशन होता है एन वन इज इक्वल टू एन वन से कोई एन टू में ट्रांजिशन होता है, एन वन से एन वन में जंपिंग होता है कहाँ से, एन टू से, ठीक है। तो अननोन गैस में तो मान लो वेवलेंथ लैम्डा टू निकला, और रिगबर्ग कॉन्स्टेंट अननोन गैस जेड का स्क्वायर वन अपन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपन एन टू स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या इक्वेशन है यार, ये जो अननोन गैस है, ये जो अननोन गैस है, इस गैस में एक ट्रांजिशन है, वन ट्रांजिशन है, एक ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन किया है। तो हमको नहीं पता है कि वो कौन सा ट्रांजिशन है, लेकिन हमको ये पता है कि वन अपन लैमडा वन वन अपन लैमडा टू के इक्वल है, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं थ्री आर अपन फोर रख दूंगा, और दैट मस्ट बी इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर वन अपन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपन एन टू का स्क्वायर। तो यहाँ से आर ने आर को खा गया, तो यह आ जाएगा थ्री बाई फोर इज इक्वल टू क्या कर रहा हूँ यार, थ्री बाई फोर इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर वन अपन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपन एन टू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ से अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जेड कैलकुलेट कर लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि गैस कौन सा है, ठीक है। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, क्योंकि एन वन और एन टू अननोन है यार, ठीक है, अननोन है। तो यहाँ मामला क्या है, गड़बड़ हो जाएगा, फंस जाएगा। तो हम बात करेंगे पॉसिबिलिटीज़ की, पॉसिबिलिटीज़। तो अगर मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात करूँ, तो जेड की खास बात क्या है, जेड एक एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर ऑलवेज इंटीजर होता है, ऑलवेज ऑलवेज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है ना, ये वाली चीज़।
तो अगर जेड ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर है तो अब मुझे एन वन की वैल्यू रखनी पड़ेगी लेट। मान लो मैं एन वन की वैल्यू 3 रखता हूँ और एन टू की वैल्यू 4 रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ था, 4 में था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 था। तो मान लो 4 से अगर 3 में जंप हुआ तो जेड की वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा, इंटीजर नहीं आएगा। तो आप इसी तरह से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब और मान लो लेट एन वन की वैल्यू, तो एन वन की वैल्यू मान लो मैं 2 ले लिया और एन टू की वैल्यू तो फिक्स है, 4 में था इलेक्ट्रॉन तो 4। तो अब मैं जब यहाँ पर रखूँगा ये वाली जो वैल्यू रखूँगा तो मुझे यहाँ से 3/4 और ये आ जाएगा जेड इंटीजर का स्क्वायर और 1/n1 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर जब करोगे, तो ये जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये एक जेड 4√z एक 2 इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। मतलब जेड इज इक्वल टू 2, मतलब वो जो गैस है वो हीलियम है, हीलियम प्लस 1 है, ये आयनाइज है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व करने के तरीके मैंने आपको डिस्कस कर दिए, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।